नमस्कार, मैं कुशवंतर सिंह। इस वक्त हम खड़े थे सेक्टर 45 ए के सरकारी हॉस्पिटल, जहाँ पर टीजीटी का आज एग्जाम था और जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरे देश भर से यहाँ पेपर देने आए और उनका एग्जाम है कि जो निर्धारित समय 50 मिनट्स था बच्चों को पेपर देने का, वो पूरा नहीं दिया। मैं लोकल हूँ, आज टीजीटी का एग्जाम था पेपर 1। सबसे पहले तो इस रूम में जो टीचर्स की ड्यूटी थी उनको पता ही नहीं था, इंस्ट्रक्शन ही नहीं देनी आ रही थी। फर्स्ट उन्होंने जब हमें आंसर शीट दी गई तो हमें शीट फिल करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा कि हमें रोल नंबर कैसे फिल करना है। ही सेड कि जीरो पहले लगा दो, बाद में लगा दो, कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है डिफरेंस? अगर आप बाद में जीरो लगाओगे तो रोल नंबर इज टोटली चेंज, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, उनसे जब हमने पूछा कि हमें आंसर शीट में अपना ये रोल नंबर और आंसर शीट नंबर सेम है, पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद कहते हाँ सेम है, आप फिल कर दो। उसके बाद हमें बोला गया कि अपने क्वेश्चन पेपर पे अपना रोल नंबर, नेम, साइन एंड ऑल दैट थिंग्स बेल के बाद दिया गया। ये भी हमें बेल से पहले नहीं दिया गया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है तो कोई भी एग्जाम होता है, ये फर्स्ट एग्जाम ही है जो मैंने दिया है। इससे पहले मैंने यूजीसी का एग्जाम भी दिया, यूजीसी के एग्जाम से बड़ा नहीं है ये एग्जाम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इनको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 10 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर देना चाहिए आपको डिटेल्स फिल करने के लिए, और उस टाइम पे बेल होनी चाहिए कि 10 मिनट पहले की बेल है। आपकी जो सेकंड बेल होगी उस पे आपको सील अपनी ब्रेक करके अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना है। इन्होंने ये भी नहीं बताया हमें। उसके बाद जब बेल हुई, हमारे रूम वाले ने बोला 5 मिनट बाद, वो भी हमारे पूछने पे कि सेकंड बेल नहीं हुई है, हम ये स्टार्ट करते हैं। हाँ कर दो, बेल तो हो ही गई है। उसके बाद जब सेकंड बेल हुई दोबारा, हमने उनसे 5 मिनट पहले पूछा कितना टाइम रहता है, ही सेड 15 मिनट्स। एक बच्चा ने नहीं पूछा, उनसे दो तीन बच्चों ने पूछा, ही सेड 15 मिनट्स। और एकदम से कहते हैं नहीं टाइम हो गया, आप अपनी आंसर शीट दे दो। ये तो नहीं होता है। और कोई भी बच्चा होता है अपने हर एक क्यों जो होते हैं वो शीट 5 या 10 मिनट पहले फिल करना स्टार्ट करते हैं। बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता है। इफ यू गिव अ 50 क्वेश्चन एंड आप 50 मिनट्स दे रहे हो तो एटलीस्ट आपको ग्रेस टाइम पहले देना चाहिए अपनी पर्टिकुलर डिटेल्स फिल करने के लिए। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि 50 मिनट्स वाला जो मैंने दिया है एग्जाम, तो इसमें तो ऑब्वियसली यू हैव वेरी लेस टाइम। कितना टाइम दिया गया आपको एग्जामिनर के द्वारा? 40 मिनट्स है सबके, क्योंकि मैं कह रही हूँ हमारे रूम वाले को तो यही नहीं पता कि रोल नंबर कैसे फिल करना है, तो उसको इंटेलिजेंट बनाया किसने है। जब जिस बंदे को यही नहीं पता कि एग्जाम में रोल नंबर कैसे फिल किया गया है, और सबसे बड़ी बात है ये एग्जाम ऑलरेडी बहुतों ने बोला है कि एग्जाम की आंसर शीट आने के लिए, और उन्होंने पैसे दे के भी बोला है, ये 20-25 लाख रुपए ना एग्जाम क्लियर हो जाते हैं। यूजीसी का भी सेम था, 35 से 40 लाख रुपए में था, तो सेम ये है। ये बात किसने बोली आपको? बहुतों ने बोली है, जो आते हैं एग्जाम देने वाले बहुत आते हैं, बहुत बोलते हैं कि हाँ हमारे पास है। और मेरा यही है कि चंडीगढ़ में भी ये एग्जाम दोबारा से हुआ जाए, क्योंकि एक सेंटर में नहीं हुआ होगा, क्योंकि हर एक में ही करता है क्वेश्चन। आपको नाम क्या है जी, कहाँ से पेपर देने आई हैं आप? मेरा नाम तमन्ना खटक है और मैं हिसार हरियाणा से आई हूँ, और टीजीटी म्यूजिक का पेपर है ये कॉमन सेक्शन का। और आज हमें इतना टाइम नहीं मिला, मतलब हमारे 10 क्वेश्चन एटलीस्ट रह गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने छीन लिया हमारा पेपर। टाइमिंग की इतनी प्रॉब्लम रही है, 40 मिनट्स पर ही छीन लिया। हालांकि टाइमिंग था हमारा 50 मिनट्स का, 10 मिनट्स पहले ही हमारा पेपर ले लिया। आपने वजह नहीं पूछी? हम यही चाहते हैं कि भी एक तो कैमरा नहीं, नहीं आपने वजह नहीं पूछी कि 10 मिनट पहले क्यों ले रहे पेपर? वो यही कह रहे हैं कि सभी क्लासरूम से ले लिए, तो कम क्या बाहर जाके देख रहे हैं सबको, सिर्फ दो रूम्स थे, 19 रूम और 11। तो एग्जामिनेशन रूम में कोई घड़ी वगैरह नहीं लगी थी, क्लॉक कोई लगी थी सर? वो बाद में उन्होंने, पहले तो टाइमिंग बताया कि 10 मिनट पड़े हैं, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि टाइम ओवर हो चुका है, साथ के साथ ही बोल दिया, एडमिट कार्ड ले रहे हैं साथ साथ, और साथ के साथ उन्होंने आंसर शीट दी हमारी, वॉच भी ले गए और वॉच भी साथ के साथ। जैसे ही हमारा पेपर स्टार्ट हुआ, वैसे तो हमें पेपर भी सही टाइम पे नहीं मिल पाया, और जो हमारी बेल हो रही थी ना ही हमें कोई इंटीमेशन बेल हमें बताई गई कि कब हमारा पेपर स्टार्ट हो रहा है। चलो ठीक है, हमें पेपर मिल गया, उसके बाद जब पेपर ख़त्म होने वाला होता है 10 मिनट पहले हमसे पेपर ले लिया जाता है। इवन जो घड़ी हमारे सामने रखी है उसमें भी 10 मिनट रहते थे, और जब हमने अपनी वॉइस रेज करी कि नहीं अभी तो सर पेपर अभी बचा है, इवन जो टाइम बचा है, तो हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इवन यहाँ पर बहुत सारे और भी कैंडिडेट खड़े हैं जो जिनके साथ सेम प्रॉब्लम हुई है, मेनली ये दो रूम्स में हुआ है, रूम नंबर 19 और रूम नंबर 11 जिसमें मेरा 11 पेपर था। हमारे रूम में लगभग 12 बच्चे थे और सारे 12 बच्चों के साथ ये ही हुआ है। हम
सिचुएशन यहाँ तक हो चुकी थी कि इन्विजिलेटर हमसे पेपर स्नैच कर रहा है कि तुम पेपर दे दो। इवन हमारी जस्ट मांग यही है कि जो वहाँ पर जो कैमरा लगा हुआ है वो कैमरा देखा जाए और उस कैमरे पे वॉच भी ले गए हैं, वो इवन वॉच भी ले गए हैं, उस कैमरे में देखा जाए कि किस टाइम पे हमारा पेपर शुरू हुआ है, किस टाइम पर पेपर हमें हमसे इन्विजिलेटर स्नैच कर रहा है। मेनली बात ये है कि इस टाइप पे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हर कोई कैंडिडेट लास्ट में ही क्वेश्चन अपने जो आंसर शीट है फिल करता है, तो जिस टाइम पे हमने अपनी आंसर शीट फिल करनी थी उस टाइम पे इन्विजिलेटर ने हमसे जो भी आंसर शीट थी वो स्नैच कर ली गई। और इवन हम रोक भी रहे हैं कि सर अभी 10 मिनट पड़े हैं, इवन जो घड़ी है उसमें भी 10 मिनट पड़े हैं, आप प्लीज़ हमसे ना लीजिए, पर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। मेरा नाम जोशीला है, मैं गोहाना हरियाणा से आई हूँ। यहाँ पे मैं TGT SST का पेपर देने आई थी। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हमारा जो पेपर है वो 40 मिनट से पहले ही ले लिया गया था और टाइम था उसका 50 मिनट से। जो हमार सीट थी वो हमसे ज़बरदस्ती छीन ली गई थी, जो हम क्वेश्चंस थे वो फिल करने ही लगे थे अभी, उससे पहले ही हमारे जो क्वेश्चन हमार सीट से सर ले गए थे। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी जाँच हो, टाइम की जाँच हो और इस पर कुछ कार्रवाई। TGT का पेपर देने आई थी सेक्टर 45 चंडीगढ़ गवर्नमेंट स्कूल में। तो जो हमारा पेपर है वो रूम में वॉच के अकॉर्डिंग 10:00 सर ने स्टार्ट किया था, और 10 जब बेल हुई तो सर ने हमें बोला कि, मैंने सर से पूछा सर पेपर ओवर होने के लिए कितना टाइम है, ही सेड दैट कि 10 मिनट्स अभी पड़े हैं। एज सून एज ही स्पीक दीज वर्ड्स ताकि साथ ही वो वापस आ जाते हैं और आकर बोलते हैं कि नहीं नहीं पेपर टाइम ओवर हो गया, बच्चे जा रहे हैं, पेपर ओवर शीट है वो दे दो। उन्होंने ज़बरदस्ती आप चंडीगढ़ से या बाहर से हैं जी? सर चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ से ही हैं। और ये जो क्या है 40 मिनट्स हमें दिए हैं जबकि पेपर में टाइम 50 मिनट्स था। मेरा नाम गौतम सिंह है, मेरी बेटी यहाँ पर TGT का एग्ज़ाम देने आई थी और 10-12 बच्चे एक रूम में थे, तो वो सारे बच्चे जो है अगर हम है यहाँ से बेटी को लेने आया तो देखा बेटी अगर आने दे दी बाहर लेट आई, तो सबसे 10-12 बच्चे जो उस रूम में थे वो सारे लेट आए, वो सारे कह रहे थे कि हमारे 10 मिनट पहले पेपर दे दिया, पेपर को नहीं कर सके, और इन्विजिलेटर ने हमारी कोई नहीं सुनी और ना ही वहाँ पे हम दूसरे स्टाफ उनसे मिले, उन्होंने हमारी कोई नहीं, सभी बच्चे अपने इस बात के लिए ये कह रहे थे कि हम हमारा पेपर इसी लिए रह गया कि मतलब कि हम सॉल्व नहीं कर पाए टाइम के अंदर 10 मिनट पहले लेने। मेरा नाम अमित है, मैं TGT पंजाब या चंडीगढ़ का पेपर देने आया था। तो इस पे क्या हुआ कि 45 मिनट पे ही हमारा जो टाइमिंग 5 मिनट पहले ही हमसे पेपर ले लिया गया, जिसके कारण मैं केवल 30 क्वेश्चन मुझे आते थे उसमें से मैं 6 क्वेश्चन ही भर पाया हूँ अपना जो मैं भर पाया। उस पे क्या था कि बीच में ये वेरिफिकेशन वाले भी उसी टाइम पर आ रहे हैं जब उनको वो काम पहले कर लेना था जो पेपर होने से बाद में, और ना कोई बता रहा कि कितना टाइम अभी बचा है हमारे कैंडिडेट के लिए और कितना टाइम अभी है, हम अपना पूरा पेपर भी नहीं कर पाए अच्छे से। कहाँ से आए हैं पेपर देने जी? मैं उत्तराखंड से आया हूँ। उत्तराखंड से आए हैं, तो इसके ऊपर जांच करनी चाहिए कि कैमरा चेक कराएं कि कितने किस टाइम पे आपने हमें पेपर दिया और किस टाइम पे आपने हमसे पेपर लिया गया। मेरा नाम जसवंत सिंह है, मैं लखनऊ से पेपर देने आया हूँ फर्स्ट पेपर, और 19 नंबर कमरा में टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सही नहीं था, घड़ी वहाँ की सही नहीं, पहले तो पूछा गया घड़ी सही चल रही है, बोला कि घड़ी में न जाओ बेल पे जाइए, बेल के बाद हमको कॉपी दी गई कि इसमें नाम प्लेट वगैरह जो भरना है भर, बल्कि पहले दी जाती है, और बेल के हमने पूछा भी कि कितने टाइम लगे, कह रहे 10-15 मिनट रह गए, जैसे ही बेल बजी उन्होंने तुरंत हमारे आंसर चिरन, और लास्ट के 10 मिनट में ये आदमी पॉइंट भरता है और ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके रखा हुआ, जैसे ही हमने भरना शुरू किया उन्होंने कहा 10 मिनट रह गए हैं, और 10 मिनट के तुरंत 2 मिनट बाद आ गए कब, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम सिर्फ 10-12 ही क्वेश्चन भर पाए, इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे, कौन जिम्मेदार है इसका? टाइम मैनेजमेंट सही नहीं। आप कहाँ से आए हैं जी पेपर देने? रुड़की से आया हूँ सर मैं, और मेरा नाम सूरज है। अब क्या कहेंगे सर? सर बेसिकली अब बच्चे मेहनत करते हैं, किस लिए करते हैं कि पेपर दे अच्छे से कम पेपर तो सही तरीके से लिया जाए, और मेरा तो रोल नंबर सबसे पहले था, ना कोई घड़ी सही है रूम में, वो बता भी नहीं रहा है कि कितना टाइम रह गया। समय से पहले उनसे जो आंसर शीट है वो ले ली, और ज़बरदस्ती बच्चों से ये आंसर शीट ली गई है। मेरे साथ ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जो डिबर ये अपना बयान दे रहे हैं, जिनका ये कहना है कि एक तो हमारा पेपर दोबारा किया जाए, और जो हमारे साथ जाती की है कृपया उसकी जाँच की जाए, जो रूम में कैमरे लगे थे उनको चेक किया जाए, और जिन एग्जामिनर्स की यहाँ पर ड्यूटी लगी थी उनकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि किनके इशारे पर या किसी जाति अपनी उम्र की वजह से उन्होंने ऐसा काम किया है।
विश्वेंद्र सिंह अपने सहयोगी के साथ चंडीगढ़ हर प्रकाश के लिए।